के बारे में। तो आज उसने कुछ सवाले बताए थे, कुछ नहीं बताए थे। तो उसमें वो अकेले बताया था कि बोर्ड में बी क्या होता है, ओ क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है, एस क्या होता है। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है मतलब कि इसमें रेखा कोष्टक और बी ब्रेकेट आपका डी क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है, एस क्या होता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ सवालें बताए उसमें थे, उसमें छोटी सवालें बताई थी। हम बड़ी सवाल को हम जानने के लिए सबसे पहले हमारे उस वाले वीडियो पर जाए और ब्रेकेट कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक क्या होता है, उन सबको जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि बी क्या होता है। बी बी जो होता है वो होता है ब्रेकेट। ब्रेकेट मीन्स होता है कोष्टक, कोष्टक ब्रेकेट मीन्स होता है कोष्टक। तो यहाँ सबसे पहले आता है जो कोष्टक, छोटा रेखा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद जो आता है मझला कोष्टक आता है, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक आता है। तो यहाँ आफ मीन्स क्या होता है, आफ मीन्स होता है का की के। तो यहाँ का और का मतलब होता है गुणा। डिवाइड मीन्स होता है भाग, डिवाइड मीन्स होता है भाग, भाग। फिर उसके बाद यम फॉर होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या कहते हैं गुणा। यहाँ भी गुणा करना होता है, मगर सबसे पहले इस गुणा से पहले हमें क्या करना है, आफ वाले गुणा को हल करना है। तो और उसके बाद एफ एडिशन मीन्स होता है जोड़। यहाँ जोड़ करेंगे, क्या करना है यहाँ पे, जोड़ करना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ आता है लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। तो यहाँ घटाना करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि सवाल लिखे है, तो यहाँ 6+ बड़ा कोष्टक में 4+5-6, छोटे कोष्टक मझले कोष्टक में 2×2-3 प्लस छोटे कोष्टक में 2×4/2 मतलब भागे। फिर उसके बाद रेखा कोष्टक लगा है 2+2 और फिर छोटे कोष्टक में बंद है, फिर मझले कोष्टक में, फिर बड़े कोष्टक में बंद है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेखा कोष्टक हल करना है। तो रेखा कोष्टक को हल करने के लिए पहले हम यहाँ पूरी सवाल को क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो यहाँ 4+5-6 और उसके बाद मझला कोष्टक 2×2-3 प्लस और उसके बाद छोटे कोष्टक में जो है उसको उतार लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2×4 भाग का चिन्ह लगा है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद रेखा कोष्टक जिस पर है, तो यहाँ रेखा कोष्टक 2 से लेकर 2 तक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है बीच में, तो इसको जोड़ देंगे। फिर छोटे कोष्टक में बंद करके यहाँ मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक लगा है, तो इसको हम लगा देंगे। यहाँ फिर 6+4+5-6 और उसके बाद मझला कोष्टक, मझला कोष्टक लगाने के बाद यहाँ जो संख्या लिखी है हम क्या करेंगे, उसको उतार देंगे। -3+ छोटे कोष्टक में यहाँ देखेंगे कि अब क्या आ गया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ भाग करना है। तो भाग का चिन्ह आ गया है, तो यहाँ भाग 4 का 4 में हम भाग दे देंगे। तो यहाँ कितनी बार में कटेगा, एक बार में 4 करना 4, तो 2×1 हो जाएगा। यहाँ छोटे कोष्टक में है और उसके बाद यहाँ बड़ा मझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक लगा है। तो यहाँ 6+ बड़े कोष्टक में 4+5-6 और उसके बाद यहाँ 2×2-3+ अब इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 का 9 2 हो जाएगा। अब छोटा कोष्टक यहाँ से क्या हो गया, फट गया। तो यहाँ हम बड़ा मझला कोष्टक लगा है, तो मझला कोष्टक को लगा देते हैं, ठीक। उसी प्रकार फिर यहाँ 6+4+5-6 अब मझला कोष्टक में जो है उसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, गुणा, फिर उसके बाद क्या करना है, जोड़ करना है, फिर उसके बाद घटाना करना है। तो यहाँ देख लेते हैं, 2×2-3+2 तो यहाँ हमें क्या करना है, इसमें इसका गुणा कर देना है। तो 4-3+2 तो यहाँ 4 और 2 को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6-3 तो 6 और 3 में घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ उसी इसी प्रकार हमें यहाँ क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ देखते हैं, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4-3+2 यहाँ मझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। तो 6+ यहाँ बड़ा कोष्टक, 4+5-6 मझला कोष्टक में जो है इसको हल कर लेंगे। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 में -3 को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ 6 और 3 को घटा देंगे, तो यहाँ 6 प्लस
बड़ा कोष्टक 4 + 3 माइनस, यहाँ इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 6 में 3 को घटाएंगे तो 6 और 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 और इसके बाद यहाँ बड़ा कोष्टक, जब यहाँ छोटा मझला कोष्टक हट जाएगा तो यहाँ सबसे फिर उसके बाद चिन्ह किस चीज का लग जाएगा, यहाँ गुणे का चिन्ह, जो यहाँ चिन्ह होता है वहाँ छुपा है, तो यहाँ 6 और 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देंगे। यहाँ फिर देखेंगे 6 प्लस, अब देखिए बड़े कोष्टक में जो है उसको हल कर लेते हैं, यहाँ हम हल करके दिखा दे रहे हैं, तो 4 + 3 माइनस छ गुणे 3, तो यहाँ हम हल करेंगे तो 6 और 3 का पहले सबसे पहले क्या करना है गुणा करना है, तो यहाँ गुणा करेंगे 6 और 3 का तो 9 हो जाएगा, 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 माइनस 3 और प्लस 4 में यहाँ रखा था, तो यहाँ पहले अब क्या करना है हमें जोड़ देना है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 7 हो जाएगा माइनस 8, यहाँ 18 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 18 यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ बचेगा कितना 11, 8 में से ना 7 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ 11 बचेगा, और वो वाला वो भी किस में बचेगा माइनस में, क्योंकि यहाँ वाली संख्या जो है क्या है बड़ी है, तो यहाँ हम सब इसको ऐसे 11 यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगा था तो बड़ा कोष्टक यहाँ हम लगाएंगे ठीक। फिर उसके बाद इसका इसमें चिन्ह का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आगे देख लेते हैं, चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -11, अब यहाँ जो हल करने पर यहाँ 11 में 6 को घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा -5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, तो इसको हम इस प्रकार यहाँ हल करके दिखाए हैं ए वाली से ठीक। आप इसका क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लोग पहले हमने देखा एक सवाल ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कि कुछ सवालों में कोष्टक के बाहर क्या होता है संख्या दी होती है, तो उसको हम कैसे हल करते हैं यहाँ देखते हैं उसके बारे में, तो यहाँ चौथा तो ठीक, यहाँ देखेंगे कि कोष्टक के बाहर में एक सवाल संख्या दी हुई है जो कि प्लस में 8 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ रेखा कोष्टक, मान लीजिए यहाँ रेखा कोष्टक लगा हुआ है तो इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करते हैं यहाँ 4 प्लस इसको 4 प्लस बड़ा कोष्टक 3 × 5 + मझला कोष्टक 4/2 × 6, तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है कोष्टक वाला, कोष्टक में सबसे पहले क्या आता है रेखा कोष्टक, तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक हल करना है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक हल करना है, तो यहाँ 6 और फिर छोटा कोष्टक -9, 9 - 14, अब इसको सबसे पहले इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो यहाँ 7 से 14 में भाग देंगे तो 7 × 14 यहाँ कितनी बार में कटा 2 बार में, तो यहाँ छोटा कोष्टक और फिर मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक +8, इसको हम सबसे बाद में हल करेंगे ठीक, क्योंकि यह कोष्टक के सबसे बाहर में रखा है तो यहाँ सबसे बाद में उसको हल करेंगे, तो यहाँ 3 × 5 + 4/2 × 6, यहाँ इसका इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 9 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7, और उसके बाद जब घटाने के बाद यहाँ बचेगा तो यहाँ हम देखेंगे कि छोटा कोष्टक लगा हुआ है, तो जो छोटा कोष्टक लगा है उसको हटाएंगे तो यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा प्लस गुणे का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिख नहीं रहा है मगर ये छुपा है, तो इसको हम यहाँ क्या किसका चिन्ह लगाएंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 9 को 2 से घटा देंगे तो यहाँ 7 बचेगा ठीक, और उसके बाद फिर मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक फिर बाद में +8 रखा है तो उसको रख देंगे +4, यहाँ 3 × 5 + मझला कोष्टक, अब मझला कोष्टक के अंदर हमें देखना है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है भाग है, तो भाग को हम करेंगे तो यहाँ 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो 2 × 6 × 7, अब हमें क्या करना है मझला कोष्टक में सबके बीच में किस चीज का चिन्ह लगा है गुणे का चिन्ह लगा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले अब गुणा कर देते हैं, गुणा को करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे देखिए 4 + 3 × 5 + यहाँ इसका गुणा करेंगे 6 × 12 = 12 में 7 से गुणा करेंगे 12 × 7 = 84, तो यहाँ +84, अब देखिए प्लस इस कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ चिन्ह पहले देखिए किसका लगा है प्लस का, तो प्लस यहाँ 84 लिख देंगे प्लस
और उसके बाद आठ, ठीक। अब यहाँ क्या कौन सा कोष्टक आ गया, बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक के अंदर जो जो सवाल है, जो जो संख्याएं हैं, हम उसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पांच और तीन का पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। पांच और तीन का गुणा करेंगे, पांच तीन पंद्रह प्लस चौरासी, ठीक। यहाँ क्या है, बड़े कोष्टक में, बड़े कोष्टक में पहले इसको उतार देंगे, फिर यहाँ चार प्लस, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो पांच और चार को जोड़ेंगे तो नौ, और आठ एक नौ को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा, नौ प्लस चार। अब बड़ा कोष्टक भी हट जाएगा, तो यहाँ जितनी संख्याएं हैं सबको हम लिख देंगे। तो यहाँ यहाँ कितना लिखा है, आठ लिखा है, तो यहाँ चार प्लस। अब इस सबको संख्याओं को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए आठ और नौ और चार, आठ चार बारह, बारह में नौ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ दो ग्यारह, ग्यारह हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि आठ और नौ, नौ आठ सत्रह, सत्रह में चार जोड़ेंगे, सत्रह चार इक्कीस, इक्कीस की एक हासिल में दो। अब उसके बाद नौ और दो को जोड़ेंगे, नौ दो ग्यारह हो जाएगा यहाँ, ठीक। नौ दो ग्यारह दो हासिल में बचा था, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार ले सकते हैं और बोर्ड मार्क्स को हम इसी प्रकार हल करते हैं, ठीक।